नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश बब्बर, एक बार फिर से सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज दिनांक 26 सितंबर 2024, सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे चैनल को, वीडियो को देखते हैं और उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सवाल भी करते हैं। अच्छा लगता है कि आप सवाल करते हैं। आप जो जानकारी आपको मंडी के बारे में चाहिए, सब्जी के बारे में चाहिए, वह आप सवाल कमेंट में लिखें और मैं पूरी कोशिश करूँगा व्यापारी भाइयों से पूछने की। सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में लेके जाऊंगा और वहाँ सब्जियों के और फ्रूट्स के सारे भाव, क्या क्या आज भाव हैं, वो जानकारी हम लेंगे। और लहसुन से ये प्याज है और सामने नौशाद भाई खड़े हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि आज कितनी गड्डी उतरी और प्याज का क्या भाव है आज। जी नौशाद जी, आज प्याज का क्या भाव है मंडी में? आज 45 से 47 रुपये का है। अच्छा, और लहसुन का? लहसुन गाजी 225 रुपये बढ़िया। अच्छा अच्छा, और आज कितनी गड्डी उतरी? गाड़ी तो आज मेरा ख्याल के होंगे कम से कम 6-7 गाड़ियाँ। 6-7 गाड़ियाँ हैं आज। एक बोरी में लगा के 30 किलो से 50-55 किलो का आता है। मैं आपको 26 सितंबर 2024 को सहारनपुर की मंडी दिखा रहा हूँ कि मंडी में क्या भाव आज चल रहा है। ये वो लोग हैं जो मंडी को चलाते हैं। जैसे फिल्म बनती है तो फिल्म के पीछे कुछ काम करने वाले होते हैं, ये वही लोग हैं जिनको कहते हैं लेबर, यही इस मंडी को संभालते हैं। तो भाइयों, मेरे साथ हैं संदीप माहेश्वरी जी। तो संदीप जी, एक बात बताइए, आज प्याज का क्या भाव है? प्याज भैया 40 से लेकर 50 रुपए बिक रही मंडी में। 6 गाड़ी की आमदनी है। 6 गाड़ी आज उतरेंगी आज? हाँ जी, आज हमारी पूरी मंडी में, पूरी मंडी में 6 गाड़ी। अच्छा अच्छा, कितना वजन है एक बोरी का? एक बोरी का भैया 30 किलो से लेकर 50 किलो तक वेट आता है। अच्छा, दिखा देंगे प्याज जी भैया? एक देखिए, ये नंबर एक प्याज है नासिक का। संदीप जी ने बताया कि ये नासिक का नंबर एक प्याज है, तो मैं इसका 50 रुपये किलो का रेट है नेट, एकदम इससे बिल्कुल भी ना तो कम होगा ना ही ऊपर तो होने का सवाल ही नहीं है। तो ये नासिक का प्याज है, नासिक का ना, ये नासिक का प्याज है। अभी मैंने आपको MP का प्याज दिखाया था, सेकंड प्याज है नासिक का। ₹100 किलो। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेकंड प्याज बता रहे हैं संदीप जी, मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ये सेकंड प्याज है, चोपड़ा बोलते हैं इसको, इसको चोपड़ा कहते हैं। और ये इसकी बोरियाँ रखी हैं। ये कितने किलो की है संदीप जी? 35 या 36 किलो की। ये जो आप बोरी देख रहे हैं चोपड़ा प्याज की, ये 33 या 36 किलो तक इनका वजन जाता है। और एक गाड़ी आप पीछे देख रहे हो जो कि अभी खाली हो रही है। आलू की भी खबर ले लें। ये चिप्स होना ही है ना भाई? अच्छे 1200 रुपये कह रहे हैं। 1200 रुपये, 1180 से 1200 रुपये, 1180 से 1200 रुपये का भाव है चिप्स होना का। 48 किलो, 48 किलो की बोरी होगी। अच्छा, और कितनी गड्डियाँ हैं? गड्डियाँ तो यहाँ मंडी में होंगी 7-8 गड्डियाँ होंगी चिप्सों में। अच्छा, बाकी डायमंड की होंगी 7-8 गाड़ी। ये डायमंड की एक गाड़ी यहाँ पे उतर रही है, डायमंड 800 से 1000 रुपये। अच्छा, कितना वजन है बोरी का? वजन ये आता है 48, 47, 49। हल्का है, गुल्ला भी खाया है, 800 रुपये। ये चिप्सोना आलू है, ये गुल्ला आलू है चिप्सोना का, छोटा आलू। यहाँ MP की प्याज बिक रही है भैया 40 रुपये से लगा के 48 रुपये किलो। अच्छा, और कट्टे का कितना वजन है? कट्टे तो बिना खुला होता है, मतलब 50 किलो 55 किलो 60 किलो। अच्छा, और कहाँ कहाँ की प्याज बेचते हैं आप? MP के है, नासिक है, राजस्थान है। अच्छा, तो दिखाएं प्याज, ये सबसे बेस्ट है? नहीं, ये कौन सी है? ये MP प्याज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। विजय लक्ष्मी आलू कंपनी और मैसर सरफराज ट्रेडिंग कंपनी की शॉप पर पहुँच चुका हूँ, यहाँ इनका प्याज का काम है। तो सरफराज भाई सामने ही है बिल्कुल, एकदम रेड टी शर्ट में, और हम भाई साहब से जानेंगे। देखो ये बारिश चालू है आज, मौसम थोड़ा सा खराब है, बाजार दबे हुए हैं, बाकी बिक्री सुस्त है, पीछे बाजार भी टूटेंगे, 2-3 रुपये किलो बाजार पीछे टूटे हुएंगे। अब देखो बिक्री क्या होती है, क्या मोल रहता है, क्या नहीं रहता है। अच्छा, फिर भी कितना है आज भाव? क्या वो अभी तो खुला नहीं है, अभी ग्राहक आ जाएंगे, देखो क्या मोल रहता है, क्या नहीं रहता है। अच्छा, वो कल से थोड़ा ढीला रहेगा भाव या तेज रहेगा? नहीं, ढीला रहेगा कल से। कारण? मौसम की वजह से, बारिश की वजह से। सरदार सिंह, सरदार सिंह और भारतीय किसान ट्रेडिंग कंपनी की शॉप पर लेके आया हूँ, और यहाँ आप प्याज देख ही रहे हैं, ये प्याज यहाँ पे पड़ी हुई है। और हमारे साथ मधुसूदन जी हैं। जी मधुसूदन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। अच्छा, आज प्याज का क्या भाव है? प्याज बिक्री 45 से लेकर 46 रुपये तक।
आज थोड़ा एक दो रुपये डाउन है थोड़ा कल से। अच्छा, कारण? कारण पीछे भी थोड़ा बारिश हुई थी, इस वजह से थोड़ा पीछे भी ढीली थी। अच्छा, हफ्ते का टाइम है सामने, प्याज कम खाया जाती इसमें, ये कारण है। ये डायमंड आलू है, मेन काम तो इनका आलू का है जैसा कि मधुसूदन जी ने बताया। अच्छा, तो बताइए क्या भाव है आज आलू का? ये बिका 1000 रुपये का। 1000 रुपये की एक बोरी? एक मीडियम आलू बिका हो गुल्ला, वो बिका 800-850 रुपये। अच्छा, गुल्ला बिका है 800-850 रुपये का, और ये 1000 रुपये की बोरी बिकी है डायमंड की। जी। अच्छा, और चिप सोना? चिप सोना बिका 1150 से लेके 1200। 1150 से 1200 तक, उसका वजन भी यही होगा 48 किलो। अच्छा जाकिर जी, लहसुन का क्या भाव है आज मंडी में? 170 से 210। अच्छा, और जैसे ये है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये कहाँ का लहसुन है? ये यूपी का लहसुन। यूपी का किस शहर का? रामपुर। अच्छा, रामपुर डिस्ट्रिक्ट का जो ये लहसुन है। अच्छा, क्या कितना वजन है इस बोरी का? 26-27 किलो। 26-27 किलो। इसका प्राइस भाव ये एक बोरी का 160 रुपये किलो। जो ये आप देख रहे हैं ये 160 रुपये किलो है। अच्छा, ये छोटी छोटी ये भी है? अच्छा, लेकिन इसका भी तो कुछ प्राइस होगा? 170-180। ये भी बिक रही है, इसका ही वजन इतना ही है? थोड़ा बहुत है, 1-2 किलो का फर्क पड़ जाता है। कितना वजन है बताया था आपने? इसका वजन है 30-35 किलो। 30-35 किलो। हमारे साथ निसार अहमद जी हैं। निसार जी, प्याज का भाव बताइए आज क्या है मंडी में? प्याज का रेट है 40 रुपए से लेके 48 रुपए तक। अच्छा, और बोरी कितने किलो की है? बोरी है 55 की, 60 की, 50 की। अच्छा, कहाँ का प्याज बेचते हैं आप? एमपी। बस एमपी का ही? हाँ। अच्छा, ये प्याज है, ये मतलब इसकी जैसे ग्रेडिंग होता है प्याज में, नंबर 1 का नंबर 2 का, ये कुछ ऐसा भी है? बताइए ना। 40 से लेकर 48 तक। अच्छा, इसमें 40 जो है थोड़ी मीडियम आवेगी। हाँ, और उसके बीच में जो है 45-46। हाँ, 48 तक, यानी हाई एस्ट जो है। अच्छा, वो क्वालिटी बढ़ती चली जाती है, अच्छी होती चली जाती है। मूलचंद महेश कुमार मुल्तानी की शॉप पर, तो यहाँ आप देखिए यहाँ सब्जियाँ रखी हैं, और यहाँ हम इनसे जानेंगे कि आज सहारनपुर की मंडी में सब्जियों का क्या भाव है। यह है पीला कद्दू। हाँ, पीला कद्दू का भाव है 22 रुपए किलो। जी महेश जी, 25 रुपए किलो। 25 रुपए किलो। लाल और पीली शिमला मिर्च है, तो महेश जी इसका भाव बताइए आप। भाव है 160 रुपए किलो। 160 रुपए किलो। ये अमेरिकन कॉर्न, तो भाइयों ये है अमेरिकन कॉर्न, तो महेश जी इसका भाव? इसका भाव है 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। तो भाइयों देख लीजिए, जिस भाई ने मुझसे सवाल किया था कि नींबू का भाव मुझे पूछ के बताइए, तो नींबू है आज 100 रुपए किलो, आज 26 सितंबर 2024। तो भाइयों ये है ब्रोकली, हम इसके भी भाव जान लेते हैं महेश जी से। जी महेश जी, क्या भाव है? ब्रोकली है ये 280 रुपए किलो। 280 रुपए किलो ब्रोकली। और ये है हमारे मोट, और हम मोट का भी भाव जान लेते हैं। जी, ये 15 रुपए का पैकेट। 15 रुपए का पैकेट। और ये है एक, इसको क्या कहते हैं? बेबी कॉर्न। ये बेबी कॉर्न, जी इसका भाव क्या है? ये 35 रुपए का। 35 रुपए का एक देख रहे हैं, ये बेंगलोर का है, और इसका भाव आज है 36 रुपए किलो। और रिटेल में अगर आपको ये खरीदना है तो ये 45 रुपए किलो आपको पड़ेगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी अदरक, जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी और अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, इसका भाव भी। तो भाइयों अगर आपको रिटेल में खरीदना है ये पहाड़ी अदरक, तो ये 60 रुपए किलो लगेगा। और अगर आपको पूरी बोरी खरीदनी है, 40 किलो की बोरी होगी इसकी, और ये आपको पड़ेगा 50 रुपए किलो। तो भाइयों अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो चीज़ जो विटामिन सी से भरपूर होती है, और जो हमें रोज़ एक जरूर खानी चाहिए, जो ये है आंवला। जयपुर का आंवला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 60 रुपए किलो आपको लगेगा। आप चाहे इसकी पेटी ले लें और चाहे रिटेल में आप ले लें। तो भाइयों चलिए मैं अब आपको भिस्का भाव बता देता हूँ कि सहारनपुर की मंडी में भिस्का आज क्या भाव रहा। ये भीस रखी हैं, अलग अलग डेयरी और अलग अलग साइज हैं यहाँ पे। जी भाई, आज सहारनपुर की मंडी में भीस का क्या भाव है? जी ताज़े 80 रुपये बिके जी। अच्छा, ये थोक का भाव बताया आपने? जी थोक का बताया। अच्छा, और रिटेल का? ये बिका जी 100 रुपये किलो, 120 रिटेल वाले। अच्छा, अलग अलग रेट है जी, जैसे वैरायटी है रेट। अच्छा, बड़ी एक भीस का अलग रेट। अच्छा, साइज के हिसाब से रेट? हाँ जी। अच्छा, यानी थोक का जो भाव है वो 80 रुपए किलो है, और जी। जो रिटेल का है हल्की बीज है उसका अलग रेट है जी। अच्छा अच्छा, जो मोटी बीज है उसका अच्छा रेट है जी। अच्छा, जैसे ये हल्की बीज है इनका क्या भाव है? 40 रुपए किलो। ये 40 रुपए किलो है भाई, और ये थोड़ी सी बड़ी? ये भी 40 है जी। और वो बड़ी बड़ी? ये 60 रुपए किलो। ये 80 रुपए किलो। तो भाइयों मेरे साथ है बिरमपाल जी,
और ये 20 साल से मशरूम का काम कर रहे हैं सहारनपुर की मंडी में। ये मशरूम रखी हैं जो कि बीरमपाल जी ने मुझे दिखाई हैं। जी बीरमपाल जी, इनका क्या भाव है यार? ये 30 रुपए का डब्बा है, 150 रुपए किलो है। 150 रुपए किलो, अच्छा। एक डब्बे का, अच्छा डब्बे का कितना वजन है इसका? 200 ग्राम। तो भाई ये 200 ग्राम एक डिब्बे में मशरूम है, और ये कितने की है? 30 रुपए का डिब्बा, अच्छा। और जैसे मान लिया इससे ज्यादा, 100 ग्राम का पैकेट, 15 रुपए का, ये 100 ग्राम का पैकेट है। और 10 किलो लेते हैं 120 रुपए किलो, और अगर आप 10 रुपए किलो 10 किलो लेते हैं तो 120 रुपए किलो आपको लगेगी। और बीरमपाल भाई के पास ये ग्राहक खड़े हैं, और तो भाइयों ये है मुकेश कुमार जी। मुकेश भाई, जो ये कद्दू रखा है इसके आप हमें दोनों भाव बताओ, थोक का और रिटेल का। 22 रुपए किलो थोक का रेट है जी, 25 रुपए रिटेल है। अच्छा, और लौकी भी आपके पास? लौकी 22 रुपए किलो है, 25 रुपए किलो भी, 25 रुपए। अच्छा, और केले? केले 30 रुपए किलो है। तो देखो ये देसी वाली अरबी है जो है भाई छाट छाट के भर रहा है। अच्छा, इसका क्या भाव है मुकेश भाई? जी रिटेल में तो है जी 60 रुपए, और थोक में है 55 रुपए। अच्छा, और एक गोल लौकी रखी है देखो ये, इसका क्या भाव है? इसका रेट है 30 रुपए, 30 रुपए किलो। तो भाइयों मेरे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, ये अदरक है, अदरक का क्या भाव है आज? आज का भाव यानी 35। अच्छा, रिटेल का? और थोक का? थोक का यही 32-30। 32-30। अच्छा, कहाँ का है अदरक? ये बेंगलोर, बेंगलोर का अदरक है ये। और बंद गोभी का क्या भाव है? 15 से 20 रुपए किलो बंद गोभी है। अच्छा, ये तो भाइयों, भाई साहब जो भी आपको भाव बता रहे हैं सारे के सारे थोक के भाव बता रहे हैं। और यहाँ अरबी भी रखी है जी, 40 से 45 रुपए किलो। अब हम गाजर का भी भाव पूछ लेते हैं। 18 रुपए किलो गाजर का जो भाव बताया है भाई साहब ने, वो 18 रुपए किलो बताया। तो भाइयों ये है टिंडा, ये 35 रुपए किलो आपको मिलेगा थोक में। और तो भाई टमाटर, जो कि हमारी सब्जी में स्वाद बढ़ाता है, ये वो टमाटर है जिसके बिना सब्जी अधूरी है, और बिल्कुल लाल लाल एकदम चमकीले टमाटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आज मैं आपको सहारनपुर की मंडी में टमाटर का क्या भाव रहा वो मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। जी नसीम जी, आज सहारनपुर की मंडी में टमाटर का क्या भाव रहा और कितनी गाड़ियाँ उतरी आज? आज 2 गाड़ी उतरी है। अच्छा, और क्या भाव है आज? टमाटर आज 55 रुपए किलो की गाड़ी। 55 रुपए किलो थोक में? थोक में। अच्छा, तो भाइयों ये देख लीजिए टमाटर है ये, और आज ये 55 रुपए किलो बिका है। कहाँ का टमाटर है ये? नासिक का, नासिक का टमाटर। राहुल जी, कितनी गाड़ियाँ आ जानी है? 200 की सड़क, लगभग 20-25 थैले आते हैं इस मंडी में। अच्छा, फिरोजपुर से। अच्छा, तो क्या भाव रहने का कुछ आइडिया है? 40 से 50 के बीच। 40 से 50 के बीच। अच्छा, जो थैली आती है उसमें कितना वजन होता है? लगभग 45 kg, एक थैली 45 किलो की। नींबू का भाव गुलशन जी से पूछेंगे। जी गुलशन जी, क्या भाव है आज नींबू का? नींबू जो बढ़िया स्पेशल है वो 100 रुपए किलो है। स्पेशल जो थोक का भाव है? अच्छा, और बाकी उससे नीचे? उससे नीचे 80 रुपया 60 रुपए किलो है। 80 रुपया 60 रुपए किलो है। तो ये जैसे ये नींबू पड़ा है, इसका क्या भाव है? इसका भाव 60 रुपए। इसका भी 60 रुपए किलो, 60-70 चल रहा है। 70 रुपए किलो, 70-60। अच्छा, एक दूसरा देसी आ रहा है उसका भाव 50-40 है। अच्छा, 50 और 40 देसी का है। देसी है। अच्छा, ये नींबू जो आपके सामने पड़ा है ये कहाँ का है? ये भावनगर का है। अच्छा, इसका क्या भाव है इस समय? इसी का भाव 60-70। ये 60 और 70, ये जो फर्क आ रहा भाव में, ये साइज का फर्क है, छोटा 60 का और बड़ा 70 रुपए किलो। ठीक ठीक। शिमला मिर्च का भाव बताइए पहले। शिमला भैया 100 रुपए किलो, 90 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा, और गोभी का? गोभी भी यही रेट है, 100 रुपए 90 रुपए, 100 रुपए और 90 रुपए। ये 100 रुपए किलो टिंडा है यहाँ, और ये जो मैं आपको भाव बता रहा हूँ ये थोक के भाव हैं। ये यहाँ तोरी रखी है, अब मैं तोरी के भी भाव आपको बता देता हूँ भाई से पूछ के। क्यों भैया, क्या भाव है तोरी का? 35 रुपए किलो, ये थोक का भाव है ना? अच्छा, और लौकी का? लौकी का भाई ने बताया 18 रुपए किलो। और खीरा क्यों भाई? 28 रुपए भाई का खीरा बिका है। अच्छा, कल के दाम से थोड़ा तेज है या कम है? तेज है, तेज है थोड़ा सा। क्यों? बाजार है, चलता रहता है। ठीक ठीक।